आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने जमीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काट सकते हैं, कि अपनी जमीन का रसीद जो था वो ऑनलाइन कैसे काट सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जनवरी का जमीन का जो ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक ईयर होता है। जमीन वगैरह में जो साल चलता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक साल होता है। उसमें हर साल सरकार को अपनी ज़मीन का टैक्स देना होता है, मतलब उसी को आप कह सकते हैं रसीद कटना, रसीद कटवाना, उसी को कह सकते हैं आप सरकार को अपनी ज़मीन का टैक्स देना। तो आपको उसका टैक्स हर साल देना होगा। अगर हर साल नहीं देते, अगर कुछ दो तीन साल बाद देते हैं, तो फिर आपको उस साल का भी जोड़ कर देना पड़ जाता है, लेकिन आपको हर साल का देना अनिवार्य है। जब आप ऑफलाइन रसीद कटाते थे कर्मचारी वगैरह से, वो आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये ले लेते थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप ऑनलाइन करके जितना भी आपका ड्यू हुआ उतना ही पेमेंट करके, बगैर 20 रुपया ड्यू 20 रुपये जमा करके, 25 रुपये जमा करके, जितना भी आपका बकाया होगा उतना जमा करके आप अपना जमीन का रसीद ऑनलाइन काट सकते हैं, बिना किसी कर्मचारी के, बिना कोई आईडी के, और डायरेक्ट ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह आप घर बैठे अपने सिस्टम या मोबाइल से कर सकते हैं, जमीन का रसीद काट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उसके लिए आपको गूगल पे जाना और गूगल पे लिखना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार भूमि, गूगल पे जैसे आप लिखेंगे बिहार भूमि, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स। इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा आपको है? तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट से आप अपना खाता देख सकते हैं, जवाबबंदी देख सकते हैं, और यहाँ से आप ऑनलाइन दाखिल खारिज भी कर सकते हैं, और दाखिल खारिज का स्टेटस भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन लगान का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन लगान के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। रजिस्टर टू लगान बकाया देखें, पिछला लगान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें, लंबित भुगतान देखें। तो सबसे पहले आपको रसीद काटना है, तो यहाँ पे आपको लगान बकाया देखें, कितना बकाया आपके पास है वो आपको देखने के लिए लगान बकाया देखें पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर पूछेगा आपका जिला, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करिए, जो भी आपका अंचल वो अंचल यहाँ से लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे हल्का सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे जो भी हल्का होगा आपका पंचायत वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मोजा का नाम, मोजा सेलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा मोजा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है भाग वर्तमान से खोजिए, या रैयत के नाम से खोजिए, या खाता संख्या से खोजिए, या प्लॉट नंबर से खोजिए, ये इनसे आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाता नंबर से खोजूंगा, यहाँ पे खाता को सिलेक्ट करेंगे, जमीन का जो खाता वो खाता नंबर से आप यहाँ से खोज सकते हैं। यहाँ पे खाता नंबर देंगे, खाता नंबर देने के बाद यहाँ पे खोजिए पे क्लिक करेंगे। तो खाता पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये खाता जिनका होगा सभी का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से जो भी आपका होगा आपका नाम यहाँ पे शो करेगा, और उसके आगे यहाँ पे एक बटन है देखेगा, इस पर आपको देखे पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करें, पूरा लिस्ट आ जाएगा, नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बताएगा लगान का विवरण, कितना रुपए आपका बकाया है लगान वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पिछले बकाया देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पिछला भुगतान देखिए, यानी कि इससे पहले जो आप भुगतान किए, इससे पहले जमीन का रसीद काटे थे आप, उसमें कितना का भुगतान किए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी इस रसीद को काटने के लिए इतना हमें पेमेंट करना होगा, 24 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर बकाया देखे फिर से क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल हमें इतना रुपए देना होगा, ठीक है। ये हमें रुपया देना होगा रसीद काटने के लिए, जो कि 2020-2021 के लिए होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करें भी क्लिक करेंगे, जैसे भी ऑनलाइन भुगतान करें क्लिक करें, कुछ इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पर आपको नाम देना होगा, यहाँ पर निजी विवरण में नाम देना होगा, और यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। पूरा डिटेल देने के बाद यहाँ पे जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मार्कर लगाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। भुगतान करने के पूर्व कृपया भुगतान संख्या, डिपॉजिट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी लिखे ले, ये जो दिया गया ये नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी, ये बताया जा रहा है कि भुगतान करने से पहले इसको नोट कर लें, इसको सेव कर लें। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ,
ये किस लिए है? अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हो गया सक्सेस, लेकिन आपको क्या कहते रसीद नहीं मिला, जो कि ज़मीन का रसीद वो नहीं मिला, तो आप यही ट्रांजेक्शन नंबर आईडी डाल के आप बिना भुगतान किए इसी भुगतान पे आप फिर से रसीद प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए अगर पेमेंट कट जाने के बाद आपको रसीद नहीं मिलता है तो आप इस ट्रांजेक्शन आईडी से रसीद प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए ये दिया जाता है। इसको सेव कर लेंगे, तो मैं इसको सेव कर लिया, तो मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा भुगतान करें, तो भुगतान करें पे आपको क्लिक करना होगा। यही रसीद अगर जमीन के कर्मचारी से आप कटाते हैं तो आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये ले लिया जाता, लेकिन आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ 30 रुपये में अपना जमीन का रसीद ऑनलाइन कटा रहा हूँ, खुद से काट रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पूरा समरी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नाम, उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल के बाद यहाँ पेमेंट डिटेल हो गया, पेमेंट ई पेमेंट या पेमेंट अदर बैंक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ई पेमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ही बैंक का लिस्ट आएंगे। तो यहाँ मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं पेमेंट कर देता हूँ। अगर आपको इस बैंक में लिस्ट नहीं आ रहा तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं स्टेट बैंक से पेमेंट करूँगा अभी। तो यहाँ पेमेंट का मेथड आ गया है तो यहाँ पे आप SBI की नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर दूसरी किसी बैंक का आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ 12 रुपये 39 पैसे आपको चार्ज देना होगा। तो यहाँ मैं नेट बैंकिंग से करूँगा, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग में क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। नेट बैंकिंग लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह सेंटर पर से दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे कन्फर्म करने को बोलेगा, फिर से यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट डेबिट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, 60 सेकंड ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा। अगर अभी आप टैप क्लोज करेंगे तो ये पेमेंट जो आपका फंस सकता है, इसलिए 60 सेकंड आपको कुछ नहीं करना है, ना रिफ्रेश करना है ना बैक करना, आपको यहीं पे 60 सेकंड वेट करना है। तो मैं वेट कर लेता हूँ 60 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए 60 सेकंड पूरे जाने को ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर दिया है इस तरह का, जैसे आप देख पा रहे रिडायरेक्ट करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिडायरेक्ट कर चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से लगान रसीद निकाल सकते हैं, यहाँ से भुगतान पिछला भुगतान दे सकते हैं। तो हम रसीद को डाउनलोड करेंगे, लगान रसीद पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा रसीद हुई, हमारा रसीद कट चुका, ये हमारा ज़मीन का रसीद है, ये ऑनलाइन रसीद है, इसे आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। राइट साइड क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या प्रिंट या सेव दोनों कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव एज़ PDF, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना, कहाँ पे आपको सेव करना है वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेव हो चुका है, इसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम इस स्टेप को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आएंगे इसी वेबसाइट पे और यहाँ पे फिर से ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बकाया देखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अंचल, हमारा रसीद जो है वो रसीद कट चुका है, लेकिन हम एक बार ट्राई कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं सक्सेस हुआ कि नहीं यहाँ पे। उसके बाद खाता नंबर देंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। अभी जो मैंने रसीद काटा था ये ऊपर वाला, इसका रसीद मैंने अभी काटा था, ठीक है। ये ऊपर वाला और दो नंबर वाला ये भी मेरा ही है, मैंने फर्स्ट वाला का रसीद काट चुका हूँ, अभी दो नंबर वाले का नहीं काटा हूँ। और फर्स्ट वाले का रसीद कट चुका है या नहीं कटा है उसको देखने के लिए यहाँ पे देखे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बकाया देखे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कोई बकाया राशि नहीं है, यानी मैंने जो अभी पेट किया जो रसीद काटा वो रसीद कट चुका है, अब कोई भी हमारा बकाया राशि नहीं है। अप्रैल से मार्च तक का हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ फर्स्ट वाले को मैंने रसीद काट चुका हूँ और ये दो नंबर वाला भी मेरा ही, इसका भी रसीद हम काटेंगे। यहाँ भी जितना शो करेंगे सभी को आपको एक एक करके काटना रसीद, ठीक है, जिसमें जो आपका उसी का रसीद काटना। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर मेरा है और सेकेंड नंबर भी मेरा है, अब इसको भी हम रसीद काटेंगे। यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए बकाया देखे क्लिक करेंगे। इसका जो बकाया जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको भी हम पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन भुगतान करेंगे। और यहाँ फिर से आएंगे और यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर एड्रेस देंगे। पूरा डिटेल देने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह शो करेगा। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है और ट्रांजेक्शन सक्सेस
नहीं हो पाता, आपका रसीद नहीं कट सकता, इसी ट्रांजेक्शन नंबर से, ट्रांजेक्शन आईडी से, यही पेमेंट से आप फिर से दोबारा रसीद काट सकते हैं। तो इसको आप सेव कर लीजिए जब तक आपका सक्सेस नहीं होता है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ भुगतान करें क्लिक करेंगे। ये मेरा दोनों का रसीद मैं एक ही वीडियो में काट के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर से इसी तरह आएंगे, ई पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे और यहाँ बैंक नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ फिर से कंफर्म करेंगे, हमारा जो पेमेंट है डेबिट हो चुका है। अब यहाँ पे 60 सेकंड वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 सेकंड वेट कर लिए हैं, तो ये भी देखिए ये भी रसीद हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लगान रसीद देखें और यहाँ पे मैं इस रसीद को भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप रसीद काट सकते घर बैठे 2020 में इस तरह ऑनलाइन बिना किसी कर्मचारी के, वो भी ऑनलाइन कम से कम दामों में। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कोई सवाल या जवाब, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सबसे पूछ ले सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे।